बीती शाम सुहाग नगरी में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया, वैसे ही दुकानदारों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। व्यापारियों ने प्रशासन पर भेदभाव बरते जाने का आरोप भी लगाया है। शुक्रवार की दोपहर में फिरोजाबाद में उस समय हड़कंप मच गया जब प्रशासन ने जेसीबी मशीन को लेकर अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। इसका दुकानदारों ने विरोध किया, फिर भी पुलिस प्रशासन के बल पर अतिक्रमण हटवाया गया। दुकानदारों ने प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया है। एक्स न्यूज के लिए अमन जैन की रिपोर्ट। प्रशासन के द्वारा अगर हमसे ये सुबह कह दी जाती कि आप इसको हटवा लीजिए तो हम प्रशासन का सहयोग करते हुए इसको हटवाते। हम नगर आयुक्त और नगर अपर आयुक्त से ये पूछना चाहते हैं कि टिकट ऑफिस के सामने टैक्सी स्टैंड पे जो मॉल बना हुआ है और वहाँ पर जो उन्होंने सीढ़ियाँ रास्ता निकाल रखा है, क्या ये विकास प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त है? ये नक्शा में इधर से रास्ता है, अगर ऐसा नहीं है तो उसको पहले बंद कराइए। ये जो गरीब लोग का उसका पान वाले का खोखा तोड़ दिया, किसी चाय वाले की दुकान तोड़ रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये दो दिन पहले ये नोटिस नहीं दिया गया, आप बताइए आखिर ऐसा क्यों? क्या मानते हैं इस चीज को, क्या मानते हैं आप? समाजवादी पार्टी इसको किस नजर से देखती है? हम इसको राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव का प्रतिष्ठान है, तो उनको प्रताड़ित करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। ये मुख्य शहर के अंदर जो सड़क है उसके दोनों तरफ दुकानें हैं और लोग बढ़ा लिए हैं, बढ़ा करके कब्जा कर लिए हैं, टीन सेट डाल करके इस तरह का अतिक्रमण किया गया है। नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम में आज कई अतिक्रमण हटवाए गए और ये कार्रवाई डेली चलेगी, प्रतिदिन रोज कार्रवाई की जाएगी। सर, व्यापारी का ये कहना है कि उन्हें कोई पहले से सूचना नहीं दी गई तो क्या? लगातार चार दिन से अनाउंस करवाया जा, प्रतिदिन अनाउंस कराया जा रहा है, इसके बाद भी लोग अतिक्रमण, जिन लोगों ने नहीं हटाया उनका अतिक्रमण हटवाया जा रहा है।